अब मैं हूँ भद्रकाली देवी कूप शक्तिपीठ के चौक पर। आज पहला नवरात्रा है और आपको बहुत बहुत मुबारकें नवरात्रों की। ये मेरे पीछे देख रहे हैं हम भद्रकाली शक्तिपीठ देवी कूप का चौक है और मैं आपको मंदिर ले चलता हूँ अभी। और आज जो है तैयारी है शोभा यात्रा की। नवरात्रों के पहले दिन कुरुक्षेत्र देवी कूप शक्तिपीठ से शोभा यात्रा निकलती है और मैं आपको पूरी शोभा यात्रा के दर्शन करवाऊंगा आज। और बहुत बहुत शुभ दिन है आज, माँ भद्रकाली के यहाँ शक्तिपीठ से यात्रा शुरू होगी और कुरुक्षेत्र के बाजारों से होते हुए ये पूरे कुरुक्षेत्र में दर्शन देती हैं मैया रानी। और भद्रकाली शक्तिपीठ जो है यहाँ माँ का 52 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ माँ का टखना गिरा था और शांत मुद्रा में माँ विराजमान है यहाँ आशीर्वाद देने के लिए, प्रसन्न चित्त मुद्रा में। तो आइए चलते हैं भद्रकाली मंदिर में और कराते हैं आपको आज दर्शन शोभा यात्रा के। ये देखिए, ये है भद्रकाली देवी कूप शक्तिपीठ का चौक, ये देख रहे हैं आप। और ये जो रास्ता है सामने, आपको सामने द्वार नज़र आ रहा होगा। चलिए मैं आपको अंदर भी ले चलता हूँ शक्तिपीठ में और वहाँ से फिर आपको शोभा यात्रा की क्या तैयारी है उस मुताबिक मैं पूरी जानकारी दूंगा और दिखाऊंगा आज आपको। तो चलिए मित्रों, चलते हैं शक्तिपीठ की तरफ और नज़दीक ही है और आपको वहाँ चल के शोभा यात्रा की क्या तैयारी है वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये है शक्तिपीठ का द्वार। माँ की जय जयकार है आज और प्रथम नवरात्रा है, खूब धूम मची है मंदिर में आज शक्तिपीठ में। तो मैं लेके चलता हूँ, वो देखिए आपको दिख रहा होगा शक्तिपीठ। शोभा यात्रा की तैयारी इस वक्त बड़े पुरजोर तरीके से लोगों में उत्साह। ये देखिए, ये मेन द्वार है, यहाँ से आप अंदर नहीं जा सकते बाइक वगैरह लेके। और ये देखिए विशाल शोभा यात्रा तैयारी है बिल्कुल। देखिए माँ देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ, ये मेन द्वार है, ये दिखेगा। चलिए दूसरे गेट से चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए पार्किंग की सुविधा अंदर है, मैं आपको दूसरे गेट से लेकर चलता हूँ। ये देखिए इधर से है इसका दूसरा गेट, आप जा सकते हैं गेट में। ये देखिए, ये मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में दिखाया भी आपको, इस गेट से भी आप जा सकते हैं, रास्ता है पूरा। ये देखिएगा, यहाँ आप बाहर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। चलिए साहब अंदर चलते हैं अब। ये साहब पार्किंग, यहाँ गाड़ी आप पार्क कर सकते हैं। और चलिए अब ले चलता हूँ मैं आपको अंदर की ओर। ये पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था यहाँ काम चल रहा था, है ना। ये देखिए घोड़े यहाँ चढ़ते हैं मैया रानी को, क्योंकि अर्जुन ने अपनी सबसे प्रिय चीज़ जो बाद में बचे थे युद्ध के पश्चात, युद्ध जीतने के पश्चात माँ को अपने सबसे प्रिय घोड़े ही चढ़ाए थे। देखिए लास्ट वीडियो मैंने दिखाया था यहाँ काम चल रहा था, देखिए तैयारी में। तो ये संपूर्ण हो चुका हुआ है आज, ये देखिए आपके सामने, है ना। ये है तैयारी शोभा यात्रा की। ये देखिए लास्ट वीडियो में आपने देखा था तैयारी की, और अभी आप देख सकते हैं, है ना, खूब उत्साह है लोगों में मैया रानी के दरबार की शोभा यात्रा का, है ना। तैयारी है बिल्कुल शोभा यात्रा की, है ना। तो कीजिए आप भी दर्शन, नवाइए आप भी शीश। जूता घर में आप सेवा है, ये आप कर भी सकते हैं। और लास्ट वीडियो में भी देखा था आपने, ये यहाँ पे आप सेवा दे भी सकते हैं, सेवा किसी भी रूप में की जा सकती है साहब, है ना। ये देखिए नौजवान यंगस्टर्स लगे हुए हमारे मैया रानी के चरणों में नवरात्रों के पावन अवसर पर सेवा देने के लिए, है ना। तो ये देखिए जय माता दी प्रभु, जय माता दी प्रभु। चलिए साहब आपको ले चलता हूँ मैं अंदर भी महारानी के दर्शन करने के लिए। पहले नवरात्रे का दिन है आज, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये देखिए आज भरपूर रश है अंदर, देख सकते हैं आप महारानी का दरबार सजा है। ये देखिए गजब और अजब नज़ारा है साहब, है ना। और इस नज़ारे के दर्शन कर सकते हैं आप, महारानी विराजमान है,
लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था और आपको बताया था कि बस बहुत रश होता है यहाँ, है ना, देखिएगा आप, है ना। तो आज शोभा यात्रा की तैयारी है, सब पंडाल सजाए, यहाँ कीर्तन होता है, भजन संध्या होती है, नवरात्रों में लगातार डेली चलती है यहाँ भजन संध्या, अलग अलग ग्रुप्स वाले यहाँ आते हैं सेवा देने के लिए महारानी के चरणों में। ये लीजिए, पहले नवरात्रे पे आप भी दर्शन कीजिए महारानी के, है ना। ये देखेगा, ये वो टखना है साहब जो माँ का गिरा था यहाँ पावन शक्ति पीठों में, है ना। ये देखिए, देख सकते हैं आज महारानी सामने विराजमान है, पंडित जी भी दिख रहे होंगे आपको सामने, सेवा है साहब। ये देखिए महारानी विराजमान है सामने, ये देखिए नजारा कुछ ऐसा है यहाँ। पहले नवरात्रे के दिन भव्य दरबार सजा है महारानी का, कीजिए दर्शन आप भी। माँ भद्रकाली देवी को शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र, ये सब कीजिए दर्शन आप भी, है ना। तो ये है जी, पहले नवरात्रे पर हमारा जो है भद्रकाली देवी कुप शक्तिपीठ, लास्ट वीडियो में देखा था आपने, और मैंने आपको कहा था कि जिस दिन नवरात्रे शुरू होंगे मैं आपको पहले दिन का वीडियो भी दिखाऊंगा, है ना। ये देखिए भव्य दरबार सजा है महारानी का, ये देखिए, तो कीजिए दोस्तों दर्शन महारानी का, लीजिए आशीर्वाद, और हो सके तो आके भी दर्शन कीजिए, अनुभव कीजिए महारानी के आशीर्वाद को, लीजिए आप, है ना। माएं बहने बेटियां सब महारानी के चरणों में शीश नवा रही और आशीर्वाद ले रही है। देखिए कितना भव्य दरबार सजा है नवरात्रों की पहले दिन, है ना। और ये है वो घोड़े जो यहाँ चढ़ाए जाते हैं, पहले दो वीडियो में देख चुके हो आप ये सब, है ना। ये सजाया साहब आज हमारे यहाँ दरबार महारानी का, प्रसन्न चित्त मुद्रा में विराजमान है मैया रानी, ये देखिए। लीजिए साहब कीजिए दर्शन, बहुत रश है आज, और स्वाभाविक भी है रश का होना, है ना। तो चलिए साहब शोभा यात्रा की करते हैं तैयारी और आपको दिखाते हैं शोभा यात्रा, संपूर्ण शोभा यात्रा दिखेगी आज आपको वीडियो में, क्योंकि तो मैं आपको मंदिर लेके आया हूँ और इसके बाद आपको दर्शन कराएंगे शोभा यात्रा के, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शोभा यात्रा में। तो ये देखिए साहब, ये है शोभा यात्रा, और पहला नवरात्रा है आज, और ये बाजारों में माए बहने बेटियां सेवार्थ शोभा यात्रा में शामिल, देख सकते हैं आप। तो लीजिए साहब आप भी नजारा, और ये देखिए साहब, ये साध वितरण चल रहा है, और ये है कृष्ण नजारा,
झुकेगा और सर्वतनिका न झुकेगा।